सो गाइस, गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर सबसे पॉपुलर कैटेगरी है 50 to 60,000 रुपीज़ के बीच वाला कैटेगरी। एंड इस कैटेगरी के अंदर दो काफ़ी तगड़े लैपटॉप्स है, आसूस टफ F15 एंड एसर एस्पायर 7। तो अगर आप भी इस रेंज के अंदर गेमिंग लैपटॉप देख रहे हो तो आपको इन दोनों लैपटॉप्स के अंदर तो कन्फ्यूजन होना ही है। तो चलिए इस वीडियो में आपका कन्फ्यूजन दूर करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। तो इन लैपटॉप्स में दो दो वेरियंट्स आते हैं, एक होगा RTX 2050 के साथ, दूसरा आता है RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड के साथ। तो Acer Aspire 7 का RTX 2050 वेरिएंट का प्राइस है 54,000 एंड Asus TUF RTX 2050 का प्राइस है 53,000। तो Asus थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा आपको। एंड दोनों लैपटॉप्स का RTX 3050 वेरिएंट की प्राइस है अराउंड 58,000 रुपीस। तो यहाँ दोनों सेम है। तो अगर आपको थोड़ा ज्यादा ग्राफिक इंटेंसिव टास्क करना है, जैसे कि हाई एंड गेमिंग या फिर 4K वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो आप इनके 3050 वेरिएंट्स के साथ जा सकते हो। ओके, सो गाइस, कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्ले की। दोनों ही लैपटॉप्स में हमें 15.6 इंच फुल HD IPS पैनल मिलता है। Asus TUF F15 में 144 हर्ट्ज पैनल मिलेगा, जहां पे Acer Aspire 7 में सिर्फ RTX 3050 वाले वेरिएंट में ही 144 हर्ट्ज मिलेगा। बाकी RTX 2050 वाले वेरिएंट के साथ अगर आप जाते हो तो आपको नॉर्मल 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले आएगा। सो अगर आपको Acer Aspire 7 चाहिए तो आप सिर्फ RTX 3050 वाला वेरिएंट कंसीडर करो, तो वहां पे आपको हायर रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। एंड अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो, फोटो एडिटिंग वगैरह करते हो, तो डिस्प्ले के अंदर जो कलर एक्यूरेसी है और जो ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस वगैरह है, वो आपको Asus TUF F15 में बेटर देखने को मिलेगा। सो डिस्प्ले डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे क्लियर विनर है Asus TUF F15। ओके, सो जहां तक बात है डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो Asus TUF F15 में जो डिस्प्ले के बेजल्स है वो स्लिमर है एज कम्पेयर टू Acer। तो Asus TUF ज्यादा मॉडर्न एक लुक लेके आता है। एंड अगर ओवरऑल डिजाइन की भी बात करें, तो Acer Aspire 7 में हमें एक मिनिमलिस्टिक टाइप का डिजाइन मिलता है, उतना ज्यादा गेमिंग वाला वाइब नहीं है। बट Asus TUF में हमें प्रॉपर एक गेमिंग डिजाइन मिलता है, प्रॉपर गेमिंग वाइब मिलती है, जो मुझे पर्सनली काफी पसंद है। आई होप आप में से मैक्सिमम लोगों को भी Asus TUF का डिजाइन ज्यादा पसंद आएगा। एंड जहां तक बात है कीबोर्ड की, तो दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर ऑब्वियसली बैकलिट कीबोर्ड मिलती है, बट Acer Aspire 7 में नॉर्मल व्हाइट कलर का बैकलिट है, बट Asus TUF में ब्लूइश कलर का बैकलिट कीबोर्ड आता है, जो कि इसको थोड़ा सा बेटर लुक प्रोवाइड करता है। सो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंदर तो विनर निकल के आता है Asus TUF F15। ओके, सो अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, जो कि है परफॉर्मेंस। Acer Aspire 7 में i5-12450H प्रोसेसर मिलता है, जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 4.4 GHz, 16 GB DDR4 RAM एंड 512 GB की SSD मिलेगी। एंड ग्राफिक्स कार्ड के अंदर RTX 2050, 3050 दोनों अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से वेरिएंट चूज कर सकते हो। Asus TUF F15 में दो सेपरेट वेरिएंट्स आते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। पहला वेरिएंट में हमें i5-11260H प्रोसेसर के साथ RTX 2050 का ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, जिसका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 4.4 GHz। सो इस वेरिएंट के साथ 16 GB DDR4 RAM एंड 512 GB NVMe M2 3.2 SSD मिलेगा। दूसरा एक वेरिएंट है जहां पे i5-11400H प्रोसेसर एंड RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, जिसका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 4.5 GHz। इस वेरिएंट के साथ 8 GB DDR4 RAM एंड 512 GB NVMe M2 3.2 SSD मिलेगा। सो अगर आप RTX 2050 वेरिएंट के साथ जाते हो Asus TUF का, तो आपको 16 GB का RAM मिलेगा एंड RTX 3050 वेरिएंट के साथ सिर्फ 8 GB का RAM मिलेगा। बट स्टिल मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि अगर आपका बजट अलाउ करता है 58,000 तक, तो आप RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड वाले वेरिएंट के साथ ही जाओ, वो आपको थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा, ग्राफिक्स परफॉर्मेंस। एंड रैम तो आप बाद में भी एक्सपांड कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो अभी परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के अंदर विनर कौन है? तो Acer Aspire 7 के अंदर क्लियरली हमें बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल है। i5 12 जेन ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू i5 11th जेन इन Asus TUF। तो डिफरेंस उतना मेजर नहीं है, बट स्टिल परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के अंदर विनर निकल के आता है Acer Aspire 7। ओके, सो इस वीडियो को भी कंक्लूड करते हैं, इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, आपको कौन सा परचेस करना चाहिए। तो अगर मैं आपके जगह पे होता तो मैं Asus TUF F15 को चूज करता, क्योंकि उसके अंदर बेटर डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलता है एंड जो डिजाइन एंड लुक वगैरह है ओवरऑल वो भी बेटर है, क्योंकि डिस्प्ले के अंदर बेजल्स वगैरह भी स्लिमर है, तो मेरे लिए वो भी मैटर करता है। एंड जहां तक बात है परफॉर्मेंस की, हाँ 19-20 का फर्क तो है, बट उतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि वो एक डील ब्रेकर हो जाए। सो हमने इस वीडियो के अंदर तीन पैरामीटर्स को कंपेयर किया, डिस्प्ले, डिजाइन एंड बिल्ड एंड परफॉर्मेंस। एंड इनमें से दो पैरामीटर्स के अंदर Asus विनर निकल के आता है, तो इसके लिए इस वीडियो को मैं इतना ही कंक्लूजन दूंगा कि ओवरऑल विनर है Asus TUF F15। मैं पर्सनली भी इसको परचेस करूंगा एंड आपको भी वही रिकमेंड करूंगा इस वीडियो में। ओके, सो गाइस, आई होप आपका कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। एंड अगर स्टिल आपके कुछ
कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करके जाना अगर आपको वीडियो पसंद आया, एंड मिलता हूँ मैं आप सबसे अगले वीडियो के अंदर। टेक केयर गाइज़।